हेलो बच्चों जय हिंद जय राजधानी तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म कर लिया था है ना और अब इस एपिथेलियल टिश्यू में एक और पोर्शन रह गया है दैट इज इंटरसेलुलर जंक्शंस ठीक है तो चलो जरा इसे ठीक से समझे ठीक है ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों ठीक है ओके तो एपिथेलियल टिश्यू में आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना इस तरह से और मैंने बताया था कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ठीक है इनके बीच जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है बहुत ही कम होता है है ना यानी ये एपिथेलियल सेल्स uh, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं तो इंटर सेलुलर स्पेस कम होने के वजह से उनमें भरा हुआ इंटर सेलुलर फ्लूड भी बहुत कम अमाउंट में होता है, है ना बहुत कम मात्रा में होता है तो वो जो इंटर सेलुलर फ्लूड है वो इन कोशि इन दोनों इन आसपास के कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपका कर रखता है अडेसिव अडेसिव फोर्स की वजह से उस इंटरसेलुलर फ्लूड के हेल्प से एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं आपस में चिपके रहते हैं इसके अलावा होता क्या है कि ये जो आसपास के सेल्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन्स यानी आसपास वाले दोनों सेल के सेल मेम्ब्रेन कुछ इंटरसेलुलर जंक्शंस के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं यानी मैकेनिकल एंड फंक्शनल लिंक बनाते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखोगे कि ये जो आसपास के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से इंटर सेल्युलर जंक्शंस के थ्रू मैकेनिकल एंड फंक्शनल लिंकेज बनाते हैं ठीक है तो इस लिंकेज को ही हम लोग क्या कहते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं ठीक है अब ये जो इंटर सेलुलर हैं बच्चों ये ध्यान रखोगे कि सिर्फ ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही नहीं बल्कि सारे एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि दो पास वाले सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन हैं जो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है है ना ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं ये दोनों सेल्स ठीक है ये सेल नंबर ए है ये सेल नंबर बी है है ना? ये उनका न्यूक्लियस है और ये आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन में इंटरसेल्युलर जंक्शन बच्चों इन दोनों सेल के बीच में होता है। तो हमने इस दोनों सेल मेम्ब्रेन को, दोनों पास वाले सेल मेम्ब्रेन को एनलार्ज करके यहां दिखाया है ठीक है यह लार्ज ब्यू है तो आप देख सकते हो कि इन दो आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन के बीच में कितने तरह के जंक्शंस प्रेजेंट है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है लेकिन आ, माइक्रोस्कोप में लार्ज करने पर ये काफ़ी क्लियर दिख रहे हैं है ना तो देखते हैं कि कौन कौन से जंक्शंस होते हैं ठीक है तो सबसे पहला सबसे पहला टाइट जंक्शन ये जो टाइट जंक्शन है बच्चों ठीक है इसे जोनुला ऑक्लूडेंस कहते हैं क्या कहते हैं जोनुला ऑक्लूडेंस तो होता क्या है कि ये जो दो आसपास के सेल मेम्ब्रेन है वो कई पॉइंट्स पर एक दूसरे से इंटीमेटली फ्यूज होकर देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है ना तो जनरली टाइट जंक्शन जो है एपिथीलियल टिश्यू के एपिकल सरफेस यानी ऊपर वाले सरफेस के नज़दीक प्रेजेंट होते हैं और ये एक बैंड के तरह होते हैं चारों तरफ चारों तरफ एक बैंड की तरफ होते हैं तो ये टाइट जंक्शंस जो है इसमें होता क्या है कैसे बनता है ये तो इसमें क्या होते हैं कि आसपास वाले सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से कई जगह पर फ्यूज कर जाते हैं तो ये जो फ्यूजन पॉइंट्स हैं इन्हें ही हम लोग टाइट जंक्शंस कहते हैं क्लियर है अब इसका फ़ायदा क्या है तो इसका फा, पहला फ़ायदा तो हो गया ये कि सेल्स जो हैं एक दूसरे से बंद गए एक मैकेनिकल लिंकेज हो गया है ना इसके अलावा ये जो टाइट जंक्शन होता है ये इंटरसेलुलर फ्लूड को और उसमें प्रेजेंट सब्सटेंसेस को लीकेज से बच जाता है यानी ये इधर बाहर नहीं आ पाता किसके वजह से टाइट जंक्शन की वजह से क्लियर है टाइट जंक्शन की वजह से इन इंटरसेलुलर फ्लूड का लीकेज बाहर नहीं हो पाता क्लियर है बच्चों ये टाइट जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में तो होते ही हैं अब हमारे नर्वस सिस्टम में भी ये टाइट जंक्शंस मिलते हैं ठीक है तो उन्हें हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर तो ये बहुत ही सेलेक्टिव चीजों को आ, ब्रेन सेल्स को जाने देते हैं अनवांटेड चीजों को वहीं रोक लेते हैं क्लियर है बच्चों तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइट जंक्शन ओके अब इसके बाद गैप जंक्शन तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं ये तीन तरह के होते हैं टाइट जंक्शन गैप जंक्शन और अढ़ेरिंग जंक्शन तो टाइट जंक्शन को हम बोलते हैं दृढ़ जंक्शन दृढ़ जंक्शन या दृढ़ संधि स्थल ओके अब ये जो गैप जंक्शन है इसको हम दरार दरार संधि स्थल कहेंगे ठीक है बच्चों? तो ये जो गैप जंक्शन ये है ये है क्या इसमें क्या होता है कि दो सेल में जो आसपास वाले होते हैं उनके बीच उनके बीच इस तरह का एक पैसेज बनता है ठीक है ठीक है तो ये जो प्रोटीन का पैसेज है दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये आपस में चिपके रहते हैं ठीक है इसे ही गैप जंक्शन कहते हैं और इस गैप जंक्शन के सेंटर पे ठीक है एक छोटा सा पोर होता है और इस पोर के थ्रू दोनों अगल बगल वाले सेल के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाता है ठीक है ना तो ध्यान रखोगे कि ये गैप जंक्शन जो है ये दोनों आसपास के सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है इस गैप जंक्शन को नेक्सस या कनेक्शन भी कहते हैं ध्यान रहेगा बच्चों नेक्सस या कनेक्शन भी कहते हैं अब इस गैप जंक्शन का फायदा क्या है तो इस गैप जंक्शन का फायदा ये है बच्चों कि इस गैप जंक्शन के थ्रू दोनों आसपास वाले सेल्स आयंस स्मॉल मोलिक्यूल्स और कुछ लार्ज मोलिकुल्स बट उसका मोलिकुलर वेट 1000 थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए का एक्सचेंज करते हैं ठीक है तो एक तरह से केमिकल कपलिंग भी होती है और इलेक्ट्रिकल कपलिंग भी होती है ठीक है सोडियम आयन कैल्सियम आयन साइक्लिक एम ठीक है ये सब छोटे छोटे जो आयन्स हैं और साथ ही साथ माइक्रो मोलिकुल्स हैं ये इस गैप जंक्शन से होकर एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं क्लियर है बच्चों तो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन हम लोगों ने कर लिया अब अढ़ेरिंग जंक्शन अभिलग्न संधि स्थल ठीक है अढ़ेरिंग जंक्शन को अभिलग्न संधि स्थल या आसंजन संधि स्थल भी कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या है बच्चों कि की जा, जा, ये जो अढ़ेरिंग जंक्शन होते हैं इसमें क्या कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग रहते हैं बट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि जिसके वजह से दोनों सेल के बीच आसंजन यानी अडेशन काफी बढ़ जाता है और दोनों सेल एक दूसरे से चिपके रहते हैं अब जैसे इस जंक्शन का एक एग्जाम्पल है ये ठीक है? तो ये जो डेस्मोजोम है ठीक है इसे हम लोग मैकुला मैकूलास भी कहते हैं मैकुला अडेरस और ये जो गैप जंक्शन है इसे हम मैकुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं ठीक है बच्चों तो ये जो डेस्मोजोम है इसमें क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो साइटोप्लाज्मिक साइड है यानी अंदर वाला साइड है दोनों साइड उस पर एक प्रोटीन की थिकनिंग होती है ये प्रोटीन की थिकनिंग है यानी प्रोटीन जमा है वहाँ पे साइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले साइड नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म वाले साइड अंदर के साइड ठीक है और इस थिकनिंग को प्लाक कहते हैं क्या कहते हैं इस थिकनिंग को प्लाक कहते हैं और इस प्लाक से साइटोप्लाज्म में इस इस प्लाक से बहुत सारे टोनोफिब्रिल्स ठीक है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ठीक है तो टोनो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये अराइज होते हैं ठीक है और साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं और बीच में यानी इंटरसेलुलर स्पेस के साइड ये देखो कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं ठीक है ना और यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लूड भरा होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है एज ए होल ये क्या कहलाता है ये डस्मोजोम कहलाता है क्लियर है और इस डेस्मोजोम के वजह से आ, इन दोनों आसपास वाले सेल मेम्ब्रेन के बीच अडेसन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है दोनों सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपके रहते हैं ठीक है ना एक और अडेरिंग जंक्शन है जिसे हम लोग टर्मिनल बार कहते हैं क्या कहते हैं टर्मिनल बार ठीक है तो इस टर्मिनल बार में जो आसपास के सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके साइटोप्लाज्मिक साइड पर प्रोटीन प्लाक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और उससे जो है कुछ फिलामेंट्स निकलते हैं ठीक है फिलामेंट्स ठीक है और वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन बीच में कोई प्रोटीन स्ट्रैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है जैसा कि डस्मोजोम में होता है, ठीक है बच्चों तो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल बार तो टर्मिनल बार एक बैंड के फॉर्म में होता है इसलिए इसको जोनुला अडेरस भी कहते हैं बात समझ में आ गई इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, है जिसे हम लोग इंटर डिजिटेशन कहते हैं तो ये जो इंटर डिजिटेशन है इसे अंतराली प्रवर्त कहते हैं तो ये जनरली नीचे की तरफ होता है और इसमें क्या होता है कि जो अगल बगल वाले सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो वेवी होकर तरंगित होकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज इंटर डिजिटेशन ओके बच्चों तो ये हम लोगों ने इंटर सेलुलर जंक्शंस देख लिया ठीक है तो अब चलो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने फिनिश कर लिया अब आगे नेक्स्ट टिश्यू पे चलते हैं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू तो बच्चों ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम नियोजी उत्तक कहते हैं ओके ओके इसे संयोजी उत्तक कहते हैं ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों ध्यान रखोगे कि ये मोस्ट एवं टिश्यू है यानी शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है पहली चीज दूसरी चीज कि ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है ठीक है ये मीजो डर्मल ऑरिजिन का होता है मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हाँ बच्चों तो हम लोग बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे संयोजी उत्तक कहते हैं ठीक है ना तो ये जो संयोजी उत्तक है बच्चों, ध्यान रखोगे कि ये हमारे बॉडी में पाए जाने वाला मोस्ट एवंडेंट टिश्यू है मोस्ट एवंडेंट टिश्यू यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला टिश्यू है ठीक है और इसकी उत्पत्ति जो होती है यानी ऑरिजिन जो होती है वो मीजोडॉर्मल होती है तो ये मीजोडर्मल हो गया ओके और एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म के जिस भाग से इसकी ओरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज मेजन काइम ठीक है यानी मैजन काइम से ही सारे कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं ठीक है उसके बाद बच्चों ध्यान रखोगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है ये मैकेनिकली या फंक्शनली जो है मैकेनिकली लिंक करता है और फंक्शनली सपोर्ट करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से ठीक है यानी टिश्यूज़ के बीच ये मैकेनिकल लिंकेज और एक तरह से आ, फिजिकल सपोर्ट और अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्या कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से किसी भी तरह से कनेक्ट करने का काम करते हैं क्लियर है, है बच्चों ओके अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में इसके कई टाइप्स हैं तो सबसे पहले हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम लूज डेंस एंड स्पेशलाइज लूज लूज मीन्स वॉट ढीला ढीला संयोजी तक बोलते हैं डेंस सघन संयोजी उत्तक बोलते हैं और स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट संयोजी उत्तक बोलते हैं ठीक है तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जाम्पल है एरियोलर एडिपोज एंड रेटिकुलर तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट नेचर के होते हैं फिर ये जो डेंस है इसमें भी रेगुलर और एंड इरेगुलर ये दो टाइप है ठीक है नियमित और अनियमित फिर इन्हें भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया वाइट फाइबरस एंड येलो इलास्टिक ठीक है और ये जो स्पेशलाइज्ड है इन्हें आगे स्केलेटल यानी कंकाल उत्तक एंड वैस्कुलर यानी संवहनीय उत्तक में डिवाइड किया गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को आगे कार्टिलेज एंड बोन्स यानी उपास्थि और अस्थि में विभाजित किया गया और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड एंड लिम्फ यानी रक्त और लसिका में डिवाइड किया गया ठीक है बच्चों तो ये सभी जो है किसके टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है तो आप ज़रा गौर से देखो तो समझ में आएगा कि ये जो ब्लड है लिम्फ है ये कनेक्टिव टिश्यू है और कैसे नेचर का है तो ये फ्लूड नेचर का है और वही काटले और बोन्स जो होते हैं खासकर बोन्स ये बहुत ही हार्ड होता है, है ना तो ये हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है और ये सब जो है सॉफ्ट नेचर के होते हैं एरियोलर एडिकोज और रेटिकुलर तो कनेक्टिव टिश्यू के फिज़िकल नेचर में कितना डिफरेंस है कहाँ एक फ्लूड नेचर का है कहाँ कोई सॉफ्ट नेचर का है कहाँ यहाँ पे कोई सॉलिड नेचर का है लेकिन सभी कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि आ, इनका जो इन सभी कनेक्ट इन सभी टिश्यूज़ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है डैट्स वाई हम इन सबको कनेक्टिव टिश्यू में ही रखते हैं ठीक है ना यानी सभी कनेक्टिव टिश्यू ही है क्योंकि फिजिकल uh, नेचर में डिफरेंस होने के बावजूद भी सभी को कनेक्टिव टिश्यू में रखते है क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है तो क्यों ना सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़े तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमें पहले समझ में आ जाएगा तो फिर इन्हें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा तो चलो हम लोग सबसे पहले जो है कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं यानी ये तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बात समझ में आ गई कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स मैट्रिक्स सेल्स एंड फाइबर्स तो ये जो मैट्रिक्स है इसको अधात्री बोलते हैं है ना तो ये मैट्रिक्स है क्या अब इसको समझते हैं बच्चों ये जो मैट्रिक्स होता है ये बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है यानी ये मूलभूत पदार्थ है। दिस इज मैट्रिक्स ओके ये मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स यानी जो मूलभूत पदार्थ है बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है ठीक है इस ग्राउंड सब्सटेंस में ही कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई यानी मैट्रिक्स एक मीडियम है जिसमें ये कनेक्टिव टिश्यू सेल और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रेजेंट होते हैं क्लियर है बच्चों अब ये जो मैट्रिक्स है इसके नेचर पे ही तो क्लासिफिकेशन हो रहा था कि अगर मैट्रिक्स सॉफ्ट जेली नेचर का है तो उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइट है लेस लूज है तो उसको हम डेंस बोलते हैं और अगर सॉलिड नेचर का है तो इसलिए उसे हम फिर स्केलेटल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं है ना तो ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी देखा ये मैट्रिक्स के फिजिकल नेचर के बेसिस पे ही तो था अब चलो मैट्रिक्स समझ गए तो मैट्रिक्स से एक बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है मूलभूत पदार्थ है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं अब सवाल यह है कि इस मैट्रिक्स का केमिकल नेचर क्या होगा यह मैट्रिक्स किस चीज के बने होंगे तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों म्यूकोपोली म्यूको पॉली सैक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स है एंड ग्लाइको प्रोटीन ओके तो ये जो मैट्रिक्स है ये म्यूकोपोलीसक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है अब इस म्यूकोपोलीसक्राइड्स में जो मेन म्यूकोपोलीसक्राइड है जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो है हाइल्यूरोनिक एसिड दूसरा कॉनड्रायटिन सल्फेट और तीसरा के सल्फेट। ओके, okay, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो म्यूको और ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है उसके बाद ये ध्यान रखोगे कि म्यूकोपोलीसक्राइड में जो मेन म्यूको है वो है हाइलोरॉनिक एसिड कॉन्ट्राइटिंग सल्फेट एंड कैराटन सल्फेट क्लियर है बच्चों? ये जो मैट्रिक्स है ये आया कहा से तो ध्यान रखोगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं है ना जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है यही सेल्स इस मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं और उसी में प्रेजेंट भी रहते हैं ठीक है ना यानी मैट्रिक्स इज सिक्रीटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स अब मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है तो मैट्रिक्स जो है आ, एक डिफ्यूजन मीडियम का काम करता है, है ना अब कोई भी सब्सटेंस अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जाना है या बाहर आना है तो ये मैट्रिक्स से होकर ही जाएगा या आएगा है ना तो एक तरह से डिफ्यूजन मीडियम का डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स जो है कनेक्टेड टिश्यू को क्या करता है एक डिफ्यूजन मीडियम प्रोवाइड करता है क्लियर है तो मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिक्स जो है बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है और उसी में कनेक्टेड टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर ये म्यूकोपोलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ओके okay. अब चलो जरा हम कनेक्टेड टिश्यू सेल्स पर बात करेंगे ठीक है तो ये जो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं तो इस मैट्रिक्स में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और उनका जो नंबर होता है वो कनेक्टिव uh, टिश्यू के टाइप्स के अनुसार वेरी करते हैं क्लियर है, है? यानी किसी कनेक्टिव टिश्यू में कोई कनेक्टिव टिश्यू सेल अधिक नंबर में होगा तो किसी में कम होगा ठीक है तो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कौन कौन से हैं जरा उसे हम लोग देख लें तो मैट्रिक्स हम लोगों ने देख, देख लिया अब कनेक्टिव टिश्यू सेल्स तो इस कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में जो सबसे पहला सेल है कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट क्या कहेंगे फाइब्रोब्लास्ट देखो ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स में कई तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं बच्चों ध्यान रखोगे कि लार्ज इरेगुलर सेल्स होते हैं यानी बड़े अनियमित आकार के सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या है तो इतना सारा जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स मेनली किसने सेक्रेट करा है मैट्रिक्स को मेनली फाइब्रोब्लास्ट ने सेक्रेट करा है और इस मैट्रिक्स में जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे उस फाइबर्स को भी कौन सेक्रेट करेगा तो ये फाइब्रोब्लास्ट ही करेगा तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रिशन ओके मैट्रिक्स एंड फाइबर्स सिक्रिशन अब जरा दूसरे सेल को देखते हैं जैसे मैक्रोफेक्स हिस्टियोसाइट और क्लासमेटोसाइट इन तीन नामों से जानते हैं ठीक है ना मैक्रोफेक्स इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महाभक्षकाणु ओके okay. महाभक्षकाणु कहते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चों इस मैट्रिक्स में देखो कुछ अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं अमीवा के आकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ही हम लोग मैक्रोफेक्स हिस्टियोसाइट्स या क्लासमेटोसाइट्स कहते हैं ओके अब ये जो मैक्रोफेक्स है इनका फंक्शन क्या है ये आते कहाँ से तो आगे आप लोग जब ब्लड पढ़ोगे तो वहाँ डब्ल्यू के एक टाइप के बारे में पढ़ोगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं मोनोसाइट्स कहते हैं मोनोसाइट्स तो ये जो मैक्रोफेक्स है इस यही मोनोसाइट्स जो है रूपांतरित होकर मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं मैक्रोफेक्स बनाते हैं ठीक है यानी मैक्रोफेक्स जो है मोनोसाइट डब्ल्यू के रूपांतरण है मॉडिफिकेशन है उसके बाद इनका फंक्शन क्या है तो इनका फंक्शन है फैगोसिटोसिस क्या है इनका फंक्शन फैगोसिटोसिस यानी भक्षण ओके okay. यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो मैक्रोफेक्स होते हैं ये इस कनेक्टिव टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट यानी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में जो भी डेड सेल्स जॉम्स डेबरीज यानी मृत कोशिकाएं ठीक है जीवाणु और जो भी गंदगी होती है उसको ये खा जाते हैं सफाई कर जाते खा खाकर सफाई करते हैं तो एक तरह से मॉपिंग यानी सफाई कर्मी का काम करते है, है ना क्लियर है तो इनके वजह से क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है वो क्लीन बना रहता ध्यान रहेगा बच्चों कि मैक्रोफेक्स जो है मैट्रिक्स को क्लीन के रखता है कैसे रखता है तो डेड सेल जर्म्स डेबरिस इनका फैगोसिटोसिस करके इनको खाकर क्लियर ओके मैक्रोफेक्स के फैगोसिटिक नेचर को ठीक है मैक्रोफेग भक्षण करता है इस बात को सबसे पहली बार रिपोर्ट किसने करा है तो ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैकनी कॉफ तो मैक, मैकनिक ऑफ ने ही सबसे पहली बार बताया था कि ये जो मैक्रोफेक्स होते हैं वो भक्षणकारी कोशिकाएं होते हैं फेगोसेटिक सेल्स होते हैं क्लियर है बच्चों? तो ये नाम जो है नीट में कई बार पूछा भी गया ओके अब चलो जरा देखते हैं थर्ड सेल दैट इज मास्ट सेल ओके तो ये जो मास्ट सेल है जिसको मास्टोसाइट्स भी कहते हैं मास्ट कोशिका मास्ट कोशिका तो ये जो मास्ट कोशिका है बच्चों ये ओवल अंडाकार सेल होते हैं ठीक है इस तरह से और इनका फंक्शन क्या है तो ये तीन सबस्टेंस सेक्रेट करते हैं पहला हेपैरिन दूसरा हिस्टामिन और तीसरा सेरोटोनिन ठीक है तो ध्यान रहेगा कि ये जो मास सेल होते हैं ये तीन सब्सटेंस सेक्रेट क्रिएट करते हैं हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ठीक है हेपेरिन के बारे में आप जानते होंगे कि हेपैरिन जो है एक क्या है हेपैरिन जो है एक पॉलीसेकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होता है ये जो हैपैरिन है ये का काम करता है एंटी यानी प्रति स्कंदक का क्या होता है बच्चों तो ध्यान रखोगे जैसे ऐसा होता है कि जब कहीं पे कट लग जाती है तो ब्लड बाहर आने लगता है यानी ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लड जो है कुछ देर के बाद क्या होता है कि Uh, जहाँ से निकल रहा था वहाँ पे क्लॉट कर जाता और इसके वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है ब्लड का लॉस बंद हो जाता ठीक है तो हेपैरिन जो है यानी ब्लड जब ज, ज, जैसे ही बॉडी से बाहर आता है uh, कुछ देर के बाद क्लॉट कर जाता लेकिन जब तक बॉडी के अंदर रहता है ब्लड तब तब वो क्लॉट नहीं करता तो क्या कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता जनरली तो उसका कारण ये है कि हमारे uh, ब्लड में ये मास्ट सेल और लिवर ये हैपैरिन जो है मिक्स करते रहते ठीक है ना तो ये इस हैपैरिन के वजह से क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती यानी हेपेरिन जो है ब्लड को क्लॉट होने से थक्का बनने से रोकता है ठीक है सेकेंड हिस्टामिन ये जो हिस्टामिन है बच्चों ये एक वैसोडाइलेटर सब्सटेंस है क्या है वैसो डायलेटर यानी इसको कहते हैं वाहनी फैलावक ठीक है तो ये जो हिस्टामिन है ये एक वाहिनी फैलावक यानी वैसोडाइलेटर सब्सटेंस है और इसका फंक्शन क्या है तो जैसे हमारे बॉडी में जब इन इन्फ्लामेंट, इन्फ्लामेटरी यानी सोथजनक और एलर्जिक प्रतिक्रिया जनरेट उत्पन्न होती है तो उस समय ये जो हिस्टामीन है ये हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देते हैं और इसके वजह से क्या होता है इसके वजह से होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है कम हो जाता है ठीक है ना तो एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के दौरान जो है हिस्टामीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है और वो एक वैसोडाइलेटर सब्सटेंस है ब्लड वेसल को चौड़ा करके ब्लड uh, प्रेशर को डाउन करता है ठीक है अब जरा हम लोग बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में ठीक है तो ये जो सेरोटोनिन है बच्चों तो ये इसका अपोजिट काम करने वाला है ये वैसो कॉन्सट्रिक्टर सब्सटेंस है यानी वाहिनी संकुचक पदार्थ है वाहिनी संकुचक ठीक है ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट सब्सटेंस है यानी वाहिनी संकुचक पदार्थ है सेरोटोनिन जो है ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है संकुचित कर देता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो कम से कम हो ठीक है ना और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ठीक है ना वैसो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ठीक है ब्लड का लॉस रुक जाएगा क्लियर तो ये हिस्टामिन और सेरोटिन ये तीनों सब्सटेंस का सेक्रेशन कौन करता है मास सेल करता है क्लियर है बच्चों अब जो नेक्स्ट सेल है दैट इज प्लाज्मा सेल ठीक है प्लाज्मा सेल या प्लाज्मोसाइट्स बोलते हैं इसको तो ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं बच्चों ये क्या है ये बिल्कुल राउंडेड सेल होते हैं और इसका न्यूक्लियस भी राउंड होता है जिसमें इस तरह से क्रोमैटिन स्ट्रक्चर दिखता है पहिए के जैसा ठीक है इसका न्यूक्लियस थोड़ा पहिए के जैसा दिखता है इसलिए इस प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मोसाइट्स को हम कार्ट व्हील सेल्स क्या कहेंगे कार्ट व्हील सेल्स बोलते हैं ठीक है पहिया कोशिका बोलते हैं अब बच्चों इसका फंक्शन क्या है ये जो प्लाज्मा सेल है इसका क्या फंक्शन है तो ये प्लाज्मा सेल ध्यान रखोगे बच्चों की एंटीबॉडीज से करते हैं क्या करते हैं एंटीबॉडीज ओके okay. ये एंटीबॉडीज से क्रिएट करता है एंटीजन का नाम सुना होगा आपने ठीक है जैसे बाहर से कोई जर्म्स uh, या कोई केमिकल कोई बैक्टीरिया कोई वायरस या कोई रसायन हमारे बॉडी के अंदर आता है ठीक है जो हार्मफुल हो हमारे बॉडी के लिए तो उसको हम एंटीजन कहते हैं ठीक है तो बॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एंड दैट प्रोटीन इज वॉट दैट प्रोटीन इज एंटीबॉडीज ओके तो ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को ट्रैप कर लेता है और उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे मैक्रोफैक्स इनगल्फ कर जाते खा के खत्म कर देते हैं क्लियर है बच्चों ओके तो एंटीबॉडीज एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो हमारे बॉडी का क्या कर रहा है डिफेंस कर रहा है हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचा रहा है और ये जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करता है तो इसलिए प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी का एक डिफेंसिव सेल है ठीक है ना ये हमारे बॉडी की रक्षा में लगा हुआ है क्लियर तो हम लोगों ने मैक्रोफेग्स, मास सेल प्लाज्मा सेल इनको डिस्कस कर लिया अब नेक्स्ट जो सेल्स हैं एडिपोसाइट्स ठीक है या एडिपोस सेल्स या फैट सेल्स इन्हें हम लोग वसा कोशिका कहते हैं ठीक है ना तो ये जो वसा कोशिका है बच्चों क्या है देखो ये जो फिगर दिख रहा है ये फैट सेल का फिगर है ना तो ये फैट सेल्स जो होते हैं एक सिंपल सेल की तरह होते हैं इनमें न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्म होगा है ना अब हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड रह जाता है जैसे बॉडी को ग्रोथ एनर्जी के लिए जरूरत नहीं होती है ठीक है तो उस एक्स्ट्रा फूड को ये एडिपोसाइट यानी फैट सेल्स जो है फैट में कन्वर्ट कर देते हैं और उस फैट को अपने साइटोप्लाज्म में फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं ताकि इनका फ्यूचर में फिर से इस्तेमाल किया जा सके बात समझ में आ गई तो ये जो दिख रहा है ये फैट ग्लोब्यूल्स है ठीक है तो एडिपोसाइट यानी फैट सेल का काम क्या है कि एक्सेस फूड को फैट में कन्वर्ट करते हैं और फैट ग्लोब्यूल्स यानी वसा गोलकों के फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं ठीक है ताकि स्टार्वेशन के समय यानी जब फूड की अवेबिलिटी ना हो खाने के लिए फ़ूड ना मिले तो उस स्टोर्ड फैट का बॉडी के न्यूट्रिशन और एनर्जी में उसका यूज किया जा सके अब अगर फैट सेल्स के अंदर ठीक है बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स हो यानी बहुत सारे वसा गोलक हो तो ऐसे एडिपोसाइट यानी फैट सेल को मल्टीलोकुलर मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स कहते हैं यानी एडिपोसाइट्स कहते हैं वसा कोशिका कहते हैं और अगर सिर्फ एक फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट हो तो उसे हम एडिपोसाइट कहेंगे यानी एक पिंडकीय वसा गोलक कहेंगे तो ज्यादा फैट किस में होगा बच्चों तो ज्यादा फैट मल्टीलोकुलर में होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फैट हैं ओके तो फैट सेल का बस ये फंक्शन होता है कि एक्सेस फूड को वो फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं चलो अब जरा रेटिकुलर सेल देखते हैं ये रेटिकुलर सेल्स क्या है तो ये जो रेटिकुलर सेल है बच्चों ये इसे जालिका मैं कोशिका कहते हैं। जालिका मैं कोशिका ठीक है तो ये अनियमित आकार के सेल होते हैं और इनसे बहुत सारे प्रवर्ध निकलते देख रहे हो ये प्रवर्ध निकल रहे हैं है ना एक इसका न्यूक्लियस है है ना तो ये अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं जिससे बहुत सारे प्रोजेक्शंस प्रोसेस निकलते हैं यानी प्रवर्ध निकलते हैं ओके और ये सारे प्रवर्ध जो है आपस में जुड़कर यानी कई रेटिकुलर सेल्स के जो प्रवर्ध होते हैं वो आपस में जुड़कर एक जाल के जैसा फॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स में जाल के जैसा बनाते हैं किसमें मैट्रिक्स में ओके अब इनका फंक्शन क्या है तो ये रेटिकुलर सेल भी फैगोसेटिक नेचर के होते हैं यानी भक्षणकारी होते हैं और ये भी जो है डेड सेल जर्म्स डेबरीज इन सब का भक्षण करते हैं ठीक है लिम्फॉइड uh, टिश्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू होता है और उसमें खूब सारे रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर है तो ये भी एक तरह का जो है डिफेंसिव सेल है रक्षात्मक कोशिका है ये भी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है ठीक है नाउ क्रोमैटोफोर्स इसे हम लोग कहते हैं वर्णक कोशिका वर्णक कोशिका तो ये जो वर्णक कोशिका होते हैं बच्चों ये भी अनियमित आकार के होते हैं जिससे बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हैं इनका नाम के जैसा ही काम है, है ना तो इनका काम क्या है ये पिगमेंट्स बनाते हैं पिगमेंट्स बनाते हैं यानी वर्णक बनाते हैं और जिस टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू को एक खास कलर प्रोवाइड करते हैं क्लियर है तो क्रोमेटोफोर्स का फंक्शन क्या है पिगमेंट कलर पिगमेंट बनाना और टिश्यू को कलर करना अब ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं बच्चों ठीक है ये जनरली लोअर वर्टिब्रेट में ये टर्म यूज किया जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स में ठीक है बर्ड्स एंड मैमल्स वाले ग्रुप में इन क्रोमेटोफोर्स को मेलानोसाइट्स कहते हैं क्या कहेंगे मेलानोसाइट्स और वो मेलानोसाइट जो है वो क्या करता है मेलानिन पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है अब हमारे स्किन आ, में खूब सारा मेलानिन होता है है ना आपको पता है जितना ज़्यादा मेलानिन होगा स्किन का कलर उतना ज़्यादा डार्क होगा और ये इस मेलानिन का क्या फंक्शन है तो आपको पता है कि ये जो मेलानिन होता है ये आ, हमें सन लाइट में जो आ, अल्ट्रा वॉयलेट रेज होते हैं यू रेज उससे प्रोटेक्ट करता है ठीक है ना ओके अब लास्ट जो सेल है दैट इज़ मेजन काइम सेल ठीक है तो ये जो मेजन काइम सेल है बच्चों ये इेगुलर सेल्स होते हैं ओके यानी अनियमित आकार के ये सेल होते हैं और एक अनडिफ्रेंसिएटेड सेल के जैसा ये फंक्शन करते हैं अन डिफरेंटेड सेल्स यानी कनेक्टिव टिश्यू के लिए ये एक अविभेदित कोशिका के जैसा काम करते हैं अभी हमने जितने भी टाइप के सेल्स पढ़े है ना तो ये काइम जो सेल है ये ध्यान रखोगे कि ये किसी भी इनमें से किसी भी टाइप के सेल में डिफ्रेंसिएट हो सकता है यानी काइम से फाइब्रोब्लास्ट भी बन सकता है माइक्रोफेक्स भी बन सकता है मास सेल भी बन सकता है प्लाज्मा सेल भी बन सकता है क्रोमेटोफोर्स भी बन सकता है है ना यानी ये किसी भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में ठीक है ना कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में विभेदित हो सकता है क्लियर तो ये बच्चों हम लोगों ने कर लिया what? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और मैट्रिक्स अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जरा हम लोग उस पर बात करें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स यानी संयोजी उत्तक तंतुए ठीक है तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है बच्चों इस मैट्रिक्स में ध्यान रखोगे कि तीन तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में तीन तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक है मैट्रिक्स इस है इसमें तीन तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं पहला जो फाइबर है दैट इज कॉल्ड एज वाइट कोलेजन फाइबर्स तो ये जो वाइट कोलेजन जो ये बहुत ही फाइन बहुत ही महीन अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं ध्यान रहेगा ये बहुत ही महीन अनब्रांच अशाखान्वित तंतुए होते हैं जो इस मैट्रिक्स में बंडल के फॉर्म में या सिंगली भी यानी बंडल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल फॉर्म में भी ये बिखरे हो सकते हैं ठीक है ये मैट्रिक्स में जो वाइट कोलेजन फाइबर है बच्चों ठीक है ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता कोलेजन प्रोटीन का बना होता इसीलिए इनका नाम वाइट कोलेजन फाइबर्स वाइटस कलर के होते हैं और कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज वाइट कोलेजन फाइबर आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये एनिमल के बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है यानी हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं ठीक है, है? उनमें थर्टी परसेंट अकेले क्या है कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है थर्टी परसेंट ओके ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं बच्चों ये फ्लेक्सीबल तो होते हैं ठीक है बट इलास्टिक नहीं होते है, है ना इन इलास्टिक होते हैं अप्रत्यास्त होते हैं लचीले तो होते हैं लेकिन अप्रत्याश होते हैं और इनमें ना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है यानी ये बहुत मजबूत होते हैं तो इसका फंक्शन क्या हुआ तो ये जिस टिश्यू में प्रेजेंट होंगे उस टिश्यू को क्या प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ठीक है यानी ये व्हाइट कोलेजन फाइबर जिस कनेक्टेड टिश्यू में जितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो टिश्यू उतना ज्यादा मजबूत होगा ठीक है तो इनका फंक्शन ये है क्या कि टिश्यू को मजबूती देना ठीक है ना ओके अब ये जो कोलेजन फाइबर है इससे अगर खा जाए अगर हम खा लेते हैं तो क्या इसका डाइजेशन होगा या नहीं प्रोटीन है तो डाइजेशन होगा लेकिन ये भी ध्यान रखोगे कि सारे प्रोटीन का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता ठीक है अब जैसे कैराटीन प्रोटीन मैंने बताया था कि हमारे नाखून में बाल में स्किन में कैराटीन प्रोटीन होते हैं तो अगर हम आ, कराटीन प्रोटीन को खाएँ तो उसके लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सेक्रेट नहीं होते लेकिन कोलाइजन प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो किस एंजाइम से कोलेजन प्रोटीन का डाइजेशन होगा बता सकते हैं तो ये होगा पेप्सिन एंजाइम से बात समझ में आ गई यानी पेप्सिन एंजाइम जो है कोलेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है ओके अगर कोलेजन प्रोटीन को वाटर में डालकर पानी में डालकर उबाला जाए तो ये एक चिपचिपे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज जिलेटीन जिलेटीन का नाम सुना होगा आपने तो ये जो जिलेटीन है कोलेजन प्रोटीन को बॉयल करके ही बनाया जाता है ठीक है ना और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ठीक है एक सिंगल फाइबर्स जो एक सिंगल फाइबर जो होता है बहुत सारे मैक्रो बहुत सारे मैक्रो फिब्रिल्स से मिलकर बना होता है और एक मैक्रो फिब्रिल में बहुत सारे माइक्रोफेब्रिल्स भी होते हैं ठीक है यानी एक सिंगल कोलेजन फाइबर कोलेजन फाइबर जो है बहुत सारे माइक्रोफेब्रिल्स से मिलकर बना होता है और हर एक माइक्रोफेब्रिल बहुत सारे माइक्रोफेब्रिल से मिलकर बना होता है और हर एक माइक में ध्यान रखोगे कि पेप्टाइड तीन पेप्टाइड चेन आपस में क्वाइल्ड uh, होते हैं ठीक है सुपर क्वाइलिंग होती है उनकी ट्रोपोकोलाजन बोलते हैं ठीक है तो ट्रोपोकोलाजन को जो है ना के तीन पेप्टाइड जो होते हैं वो आपस में क्वाइल्ड uh, होते हैं इस वजह से क्या होता है कि ये फाइबर जो है काफी मजबूत होता है ठीक है तो ये ध्यान रखोगे कि कोलाइजन uh, कोलाइजन फाइबर जो होते हैं वो कनेक्टेड टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्लियर है आगे देखते हैं येलो इलास्टिक फाइबर पीला इलास्टिक तंतु है। तो ये जो पीला इलास्टिक तंतु है बच्चों ठीक है ना ये थिक ये थिक होते हैं और ब्रांच होते हैं इस तरह से क्लियर है थिक एंड ब्रांच होते हैं कोई बंडल नहीं बनाते हैं सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये इलास्टीन प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए इन्हें येलो इलास्टिक फाइबर कहा जाता है किस चीज के बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के ठीक है ना तो ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इस थोड़ा कलर भी होता है इनका इस वजह से इन्हें हम येलो इलास्टिक फाइबर बोलते हैं ये जो फाइबर्स हैं येलो फाइबर्स ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं यानी लचीले भी होते हैं और प्रत्याश भी होते हैं यानी इन्हें खींचने पर ये रबर की तरह खिंच जाते हैं छोड़ने पे ये वापस अपने पुराने पोजीशन में पहले के पोजीशन में वापस आ जाते हैं ठीक है तो इनका फंक्शन क्या हुआ तो इनका फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना हुआ यानी ये जो येलो इलास्टिक फाइबर है ये जितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू उतना ज़्यादा क्या होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा ओके और ये भी ध्यान रखोगे कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन है मोस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन है मोस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन बोलने का मतलब क्या कि इस इलास्टीन प्रोटीन का डिकम्पोजिशन यानी अपघटन बहुत ही स्लो होता है ठीक है बहुत ही धीमा इसमें इस प्रोटीन का अवघटन होता है ठीक है इस प्रोटीन का, का, का डाइजेशन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम किससे एंजाइम द्वारा होता है ठीक है और इसको बॉयल करने पर यह जिलेटिन में कन्वर्ट नहीं होता है और इसमें मैक्रोफिब्रिल और माइक्रोफिब्रिल नहीं पाया जाता क्लियर है, है बच्चों? अब यह जो लास्ट फाइबर है दैट इज रेटिकुलर फाइबर इसको देखते हैं तो ये जो रेटिकुलर फाइबर है बच्चों ठीक है यह बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही महीन फाइबर्स होते हैं जैसे कोलाइजन फाइबर होते हैं ना उसी तरह से तो ये बहुत ही महीन फाइबर्स होते हैं और काफी ज्यादा ब्रांच्ड होते हैं ठीक है इस तरह से और कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में ये रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं एक नेटवर्क का एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं याद रहेगा है कि ये बहुत ही महीन और ब्रांच काफी ब्रांच्ड फाइबर्स uh, होते हैं और ये मैट्रिक्स में एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है ये रेटिकुलर फाइबर्स बच्चों ध्यान रखोगे कि रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं किसके रेटिकुलिन प्रोटीन ये जो रेटिकुलीन प्रोटीन है बच्चों ठीक है ये रेटिकुलिन प्रोटीन जो है कोलेजन प्रोटीन का ही जो है ना एक तरह से प्रिकर्सर है या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रेटिकुलिन प्रोटीन है वो इमेच्योर फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन का ही अपरिपक्व रूप है ठीक है ना तो ये रेटिकुलर फाइबर्स ऐसे होते हैं और इनकी उपस्थिति के वजह से कनेक्टिव टिश्यू को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है ठीक है ना ये एक स्केलेटन के जैसा काम करते हैं किसके लिए कनेक्टिव टिश्यू के लिए, लिए ठीक है और ये आ, ध्यान रखोगे कि सिल्वर कंटेनिंग जो स्टेन्स होते हैं रंजक होते हैं उनसे रंजित हो सकते हैं, ठीक है तो अजायरो फिल, फिलिक ये फाइबर्स है क्या है ये अजायरो फाइबर्स है यानी इन्हें सिल्वर कंटेनिंग स्टेन से स्टेन किया जा सकता है क्लियर है बच्चों तो ये हम लोगों ने आ, कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया तो मैट्रिक्स सेल्स एंड फाइबर्स ये तीनों जो है मिलके कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं अब शुरू में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था तो मैंने बताया था कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं है ना लूज डेंस एंड स्पेशलाइज्ड तो लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है इनके कैसे नेचर होते हैं ठीक है और इसमें आ, इनके फंक्शन क्या होते हैं इनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ढीला संयोजी उत्तक ढीला संयोजी उत्तक तो ये जो ढीला संयोजी उत्तक है बच्चों नाम से ही पता है कि इसमें ना मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी सॉलिड नेचर का होता है ठीक है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है और इसमें सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है मैट्रिक्स के सेमी सॉलिड नेचर यानी अर्ध दृढ़ नेचर के अर्ध ठोस नेचर होने के वजह से ये सॉफ्ट होता है इसलिए इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम रखा गया है इस टिश्यू का नाम रखा गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू अब इसके तीन टाइप है एरियोलर एडिपोज एंड रेटिकुलर तो इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में बस इतना ही जय हिंद जय राजस्थान, जय राजधानी ठीक है एग्रीकल्चर में है शानदार करियर। और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोडिया जयपुर राजस्थान एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं नॉर्थ इंडिया का किंग कौन फैसला आप करें राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की आठवीं रैंक और सामान्य वर्ग की साठवीं रैंक राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से आठ विद्यार्थी टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की तिरसठ परसेंट सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा जहां नब्बे प्रतिशत बच्चे कर रहे हैं बारहवीं के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानी मचा रहे धूम बारहवीं के साथ ही 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर यश शर्मा ने तीन चौरानवे नंबर इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है दो करोड़ साठ लाख रुपए की स्कॉलरशिप कक्षा बारह के परिणाम में सत्तानवे प्रतिशत या अधिक एक विद्यार्थी प्रतिशत अधिक तीन विद्यार्थी चौरान सात विद्यार्थी तिरानवे ग्यारह विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक चालीस विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट में सौ प्रतिशत लाने वाले दो विद्यार्थी नन्यानवे प्रतिशत या ज्यादा लाने वाले तीन विद्यार्थी सत्तानवे प्रतिशत अधिक लाने वाले उन्नीस विद्यार्थी नब्बे प्रतिशत अधिक लाने वाले एक सौ तिरसठ विद्यार्थी दसवीं से बारहवीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की उनचालीस परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धि रिंकू यादव ने 36 की सैतीस परसेंट की वृद्धि नरेश पाटीदार ने छत्तीस परसेंट की वृद्धि प्रकृति की गोद में दस बीघा में फैला विशाल कैंपस आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज होस्टल्स राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी आई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इलेवें ट्वेल्थ क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध ग्यारहवीं बारहवीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर जेट बी एच यू की क्लासेज उपलब्ध राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जे राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आई सी आर जेट बी एच यू राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर आल अकेडमिक राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक साथ ही विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट राजधानी ग्रुप डॉट इन हेल्पलाइन नंबर नाइन थ्री वन फोर वन थ्री जीरो वन थ्री जीरो